पर्यावरण जो है, जैसे पेड़ पौधा जरूरी है, उसी तरह जीव जंतु भी हम लोगों को पर्यावरण में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनका सब रहना, इनका वर्तमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सृष्टि में इन सब का आविष्कार किसी न किसी कारणवश ईश्वर किए हैं और उसका हम लोग रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। वन्य प्राणी तो विलुप्त होते ही जा रहे हैं, साथ में हम लोग का पेट एनिमल से भी लगाव दूर होते जा रहा है। और इस तरह का दुकान खुलना गढ़वा के लिए सौभाग्य का बात है। हम लोग खुद अपने घर में एक्वेरियम रखे हैं। हमको मछली का दाना लेने जाना रहता था तो रांची से मंगाते थे, अंबिकापुर से मंगाते थे, गढ़वा में अवेलेबल नहीं था। आज होने से लोग के अंदर इस तरह का पेट एनिमल पालने का एक हौसला बढ़ेगा। यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो रहे हैं। गाय पालना लोग छोड़ दिए कि कई वेटनरी के डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। जिस तरह से हम लोग गाय पालते हैं, आज गाय की संख्या कम हो गई, लोग कुत्ता का संख्या भी कम होते जा रहा है। बाहर बॉम्बे में एक ऐसी, मैंने बहुत सारे न्यूज़ में आते हैं कि एक ऐसे लोग हैं जो ढेर सारा रोटी बनवा के घर से लेके जाते हैं और उनका गाड़ी पहुँचना और सारे इलाके के कुत्ते जो हैं वहाँ जमा हो जाते हैं, उनको रोटी खिलाना, उनका किसी को डैमेज हुआ है, पैर में चोट लगा है, उसको बैंडेज करना। लेडीज है एक बॉम्बे में जिनका नाम हमको अभी याद नहीं पड़ रहा है, और ये तरह का एक संस्था चलाती है और उनको अथी करती है। तो इस तरह का प्रोत्साहन होना बहुत बढ़िया बात है। जैसे छोटा जगह में ऐसा दुकान खुलना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किस हिसाब से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे? एकदम बहुत नहीं, शॉप वाले को तो बहुत, अब जो इनका सोच रखे हो, जैसा कि भैया भी, अलग भैया भी बोले, बहुत अच्छा सोच था। और ये उनका मैंने प्रदर्शन करता है कि हाँ, आप उसके प्रति कितना जागरूक है। और लोग को जागरूक करें और इसका अति करें। धन्यवाद। बाबू, हाँ लूसी को लाना। अंशु को लाना, मछलियों का ले लिया। हाँ लाओ ना अंशु, बाबू बैठ जाओ। सब कुछ